आज हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को वैसे ही ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा है और हमारा एक टारगेट है कि ये कोर्स जितना हो सके जल्दी खत्म हो जाए। अगस्त, मोस्ट ऑफ द अगस्त या सितंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए अगर हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है और पेपर सॉल्व करना है। फिर भी क्या करें, दिक्कतें इतनी हैं कि हमें ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। फिर बाद में जैसे ही चालू होगा, ये लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा भी क्या 12th है, नो डाउट 11th से थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चैप्टर हम ऐसे ही करते हैं जो आपने पहले नहीं किए। अब जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कॉमर्स वालों ने और नो डाउट इसमें कॉमर्स में किया हुआ है, कॉमर्स स्टूडेंट, लेकिन साइंस स्टूडेंट के लिए जिसने कंप्यूटर साइंस लिया उनके लिए तो थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम इसको इनिशिएट करते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स, अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम जब भी करते हैं अरेंज करना, जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हमें अरेंज करना है तो हम उसको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। जैसे अभी मेरे को ये हमारा रो हो गया 1, 2, 3 रो कॉलम, 1, 2, 3 कॉलम, तो हम लिखेंगे हमने इनको 3x3, यानी 9 बच्चों को हमने 3x3 वे में अरेंज किया। तो ये जो है हमें ये 3x3 क्या, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब हुआ कि कितने रो में कितने कॉलम में हम बच्चों को अरेंज करें। जैसे मैंने बोला 10 बच्चों को अरेंज करना है, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इसका? तो आपको पता है 10 बच्चे हैं, या तो 1 रो 10 कॉलम बनाओ, 10 रो 1 कॉलम बनाओ, या 2 रो 5 कॉलम बनाओ, या 5 रो 2 कॉलम्स बनाओ। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम कितने। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें 3, 3 9, तो 9 टोटल स्टूडेंट आए, लेकिन पहला क्या बता रहा है, रो, दूसरा कॉलम बता रहा है। तो जैसे अभी हम इसको लिख रहे हैं, ये फर्स्ट रो, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, तो ये हमारे अरेंजमेंट है। अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट है इसको लिखेंगे A11, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट A11, इसका मतलब क्या होगा हम समझ लेते हैं, A11 यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये मेंबर आ रहा है, तो ये आपका A11। जैसे आप यहां हम देखें ये क्या है, तो हमें पता है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो हम इसको 2, 2। जैसे अगर इसको देखें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31। अगर हम इस मेंबर को देखें तो आपको पता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम देखें A23। तो ये इसका कि किस पोजीशन में कौन सा मेंबर उसको बताना है। जैसे अभी मैं यहां मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स यानी अरेंजमेंट, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मेरे को यहां लिखा 1, 3, 4, 2, 5, 6। अब ये जो नंबर है ये आप देखो तो इसका ऑर्डर क्या है, आप देखोगे आपका ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम, 2, 3, 6, 6 आपके टोटल मेंबर है। तो हम बोलेंगे इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज नथिंग बट 2x3। ठीक है, अब जैसे मेरे को यहां पर कोई भी मेंबर मेरे को पता करना है कि ये मेंबर कौन से प्लेस पर है, तो हमने देखा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, देखो सेकंड रो आ गया सेकंड कॉलम आ गया, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का मेंबर आया 2, 2। ठीक है, अब आपको पता है इसमें 2 आपके 2 रो और 3 कॉलम है, तो रो और कॉलम अनइक्वल है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे अभी हमने ये वाला लिया था, इसमें देखो रो कॉलम दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा अगर रो कॉलम इक्वल है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर हम अरेंज स्क्वायर वे में कर रहे हैं इसका मतलब है कि कॉलम और रो को हम इक्वली इक्वल वे में रख रहे हैं, यानी जितने रो उतने कॉलम। अगर हम इसकी बात करें कि मैट्रिक्स अगर हमारा अनइक्वल है, रो और कॉलम अलग अलग है, तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी तो हमें ये समझना है कि ऑर्डर क्या है, किस वे में अरेंज करना है। सपोज मैं आपको दे देता हूं कि आपके पास 7 मेंबर है, 7 मेंबर में हम कितने वे में हम उसको अरेंज कर सकते हैं,
तो आपको पता है सिंपल से 7-1-7 या 7-1 यानी एक रो सात कॉलम या सात रो एक कॉलम बना सकते हैं। जैसे इसको दिया मेंबर आपके पास है टोटल 7, तो इसका ऑर्डर क्या है, पॉसिबल ऑर्डर क्या है 7 × 1 या दूसरा ऑर्डर है 1 × 7। सपोज आपके पास मेंबर है 8, तो उसको लिखने का मेथड है 2 × 4, 4 × 2, 8 × 1, 1 × 8। इतने ऑर्डर में आप उस मैट्रिक्स में उन मेंबरों को अरेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वे ऑफ राइटिंग, यानी किसी भी मेंबर को मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करना उसका वे ऑफ राइटिंग है। तो ये हो गया आपको कि कैसे आपको अरेंज करना। अब यहां आता है कि चलो आपको एक क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स आपको बनानी है, यानी अरेंजमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन आता है कि अब जैसे अभी हम देखें कि यहां पर एक ही रो है आपका, एक ही कॉलम है, तो इसको कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। यहां एक ही रो है, रो मैट्रिक्स, यानी सिर्फ आपके पास ये है आपका कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है, यहां एक ही रो है, दैट इज रो मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स में भी अगर देखो आपको पता चल गया स्क्वायर क्या है, रो कॉलम इक्वल आ रहे हैं। अगर रेक्टेंगल है इसका मतलब है कि उसमें जो कॉलम और रो अनइक्वल आ रहे हैं। लेकिन अगर एक ही रो एक ही कॉलम आए तो या तो रो मैट्रिक्स या कॉलम, वो डिपेंड करता है कि अगर रो एक है, अगर एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, एक रो है तो रो मैट्रिक्स। सिंपल सा नाम है, कभी एग्जाम में पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब है जो मैट्रिक्स वो तो क्लियर है कि रो और जो रो और कॉलम इक्वल, वी कॉल इट स्क्वायर। जैसे स्क्वायर आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा हुआ है, चारों साइड इक्वल होना, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ इक्वल होना, सेम वे से हम इसको मैट्रिक्स में बोलते हैं। अब आता है कि मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन में ये पहले मैं पूरा हटा देता हूँ, यहां तक का तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। सपोज मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें पहले अगर आपको ये नहीं दिया और बोला कि इसका ऑर्डर पता करो, तो आप देखना कुछ नहीं है, काउंट करो फर्स्ट रो सेकेंड रो तो 2 लिख देंगे, फिर देखा कॉलम 1 2 3 कॉलम तो 2 × 3। ठीक है, तो ये इसका वे, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन अगर मेरे को ये मेंबर की प्लेस वैल्यू पता करनी, तो मेरे को 4 का मतलब है कि आपने यहां लिखा ए, पहले आप इसमें कॉलम ढूंढेंगे, सॉरी पहले रो ढूंढेंगे, तो रो आपको पता है कि फर्स्ट रो में, फिर कॉलम देखा 1 2 3 वर्टिकल लाइन को कॉलम A1 तो ये इसकी पोजिशन है। तो ये आप लोगों को पता चल गया किस तरह से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं वर्कशीट में दूंगा इसके बाद, तो पहले आप लोग ये समझ लो है क्या, और इसी के ऊपर आपके एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में इसी के ऊपर ज्यादा फोकस भी किया हुआ, इसके ऊपर 1-1 मार्कर। अभी तो आप लोगों को पता बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, खैर आप लोग 11th में तो आप लोगों को तो ऑर्डर पता ही है कि कितने के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे जिसमें 1-1 मार्कर MCQs है, और 1-1 मार्कर के वो शॉर्ट में आंसर लिखने हैं, तो इसमें आपके कुछ भी पोर्शन छूटने वाला नहीं, हर बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आप सोचेंगे कि चलो ये छोड़ दो वो छोड़ दो, पहले था ये पैटर्न चलो ठीक है, लेकिन आपने एक भी छोड़ा तो आपके मार्किंग में वो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेटर है कि आप हर चीज को केयरफुली समझिए, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन बुक के अंदर से बाहर कुछ नहीं जाना कि पेपर के पैटर्न में वो बिल्कुल बुक को फोकस करें, लेकिन बुक के अंदर भी नॉलेज लेना है। तो अब जैसे ये आप लोगों को पता चलेगा, ये छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। अब ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एक्चुअली आता है ज्यादातर 4 मार्कर कि कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स, मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब तो समझ गए, एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो मैट्रिक्स आपको जैसे ये दिया कि ए, मैट्रिक्स का सिंबल है AIJ, आई का अंदर रो, जे का अंदर कॉलम, और उसके बीच में एक रूल दिया होगा, जैसे कि आपको दिया है 2i − j। अब इसका मतलब है कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 2 × 3 का, इसका मतलब 6 मेंबर आपको ढूंढने हैं, मतलब 6 इसका ऑर्डर आपको बदल गया 2 × 3, यानी 2 रो 3 कॉलम बनाने, 6 मेंबर आपको उसमें ढूंढने। तो 6 मेंबर ढूंढने के लिए पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखो, पहला आपको पता चल गया A11, A12, A13, 21, 22, 23,
ये 2 × 3 हो गया, बन गया। अब आता है इसकी वैल्यू ढूंढनी, जैसे A11 ढूंढना है, 1 1 यानी 1 रो 1 कॉलम, इसके लिए ये रूल आ रहा है 2 i में 1 j में 1, 2 1 2 -1 1, A12 लिखा 2 1 2 0, A13 -1, देखो आपने ये सिंबल कैलकुलेशन देख लेना। अब इसी वजह से आपने ये जो कैलकुलेट किया है इसको अपने मैट्रिक्स में लिखा, या मैट्रिक्स के जो प्लेसेस हैं A11 में 1 0 -1 3 2 1 2 × 3, ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। सिंपल ये रूल दिया होगा और इसका ऑर्डर दिया होगा, कितने ऑर्डर का आपको बनाना, उसी उस रूल को फॉलो करना है। और पहले ये लिख कर रूल फॉलो किया, रूल के वैल्यूज फाइंड किए, उसके बाद हमने ये मेंबर्स लिखा। ये हुआ आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से सिंपल कुछ तरीका नहीं है इसमें, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं वो दूंगा जिसमें जैसे ए आई जे 2i + j दिया, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई की जगह से सपोज 1 1 चाहिए, तो यहां 1 + 1 लिखा, तो 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं तो 2 स्क्वायर लिखकर आप पावर में ही छोड़ देना। ज्यादातर तो आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स आपको करना है। चलो ये तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। अब आता है कंसेप्ट कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल कैसे जजमेंट लें, कि दो मैट्रिक्स को कैसे चेक करें कि इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान देना। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स इक्वल है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे, देखो मैट्रिक्स में आपको क्या देखना, सिंपल तरीका है ऑर्डर देखिए। ऑर्डर का मतलब अगर पहले का 2 × 3 है तो दूसरे का 2 × 3 ही होना चाहिए, अगर दूसरे का 2 × 2 है तो वो दोनों मैट्रिक्स अनइक्वल है। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहां ऑर्डर 2 × 3 है ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स भी 2 × 3 यानी 2 रो 3 कॉलम्स हैं, दोनों में ही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां 3 × 2 आ गया तो ये अलग हो जाएगा, इसमें मेंबर भले इक्वल आ रहे हैं लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग है, यहाँ 3 रो है 2 कॉलम तो ये हम अनइक्वल कहेंगे। लेकिन अगर आपका रो और कॉलम रो रो के इक्वल, कॉलम कॉलम के, तो ये दोनों मैट्रिक्स हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इक्वल मैट्रिक्स में वैल्यू कैसे फाइंड करें, सपोज यहां पर आपको दिया है x-1 y+2 z-3, x u+4 v-3 z+2, और यहां नंबर्स दिए 2 4 5 1 0 -1। अब आपको बोला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, तो आपको ये देखना है कि कैसे देखना है। आपको पता है ये मेंबर कौन सा है A11, ये मेंबर है B11, यानी जो रो कॉलम है वही सेकंड में होना जरूरी है। तो आपने इन दोनों को कंपेयर किया, x-1 should be equal to 2, x should be 2 + 1, x should be 3, ऐसे आप बाकी वेरिएबल ढूंढ सकते हो। y+2 4 के इक्वल है तो y का आंसर कितना, 4 - 2 2 आ गया, z-3 5 है तो z का आंसर 8 आ गया। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया आप लोगों को, नहीं आया, सिंपल है, कोई तरीका इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको आइडिया लेना है कि कौन से मतलब इक्वल, पहले मैट्रिक्स देख लो ऑर्डर सेम है, उसके बाद ऑर्डर में भी जो जहां मेंबर, जैसे A23 तो B23 से ही कंपेयर करना है, ऐसा नहीं A23 को B12 से कंपेयर करिए, रॉन्ग मैथड, फिर आपको वैल्यू गलत निकलेगी। ठीक है, अब इसी में जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 2, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं वो या आपके 3 होंगे या 5, उसके अलावा कोई नहीं होंगे, तो आपको पता है यहाँ 3 5 के 2 चॉइस है, यहाँ 3 5 3 या 5 आप ले सकते हो, 2 वे, फिर यहाँ 2 वे, यहाँ 2 वे, यानी A11 A12 A21 A22, 3 या 5 2 चॉइस है, 3 और 5 2 चॉइस। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था नंबर ऑफ वेज,
यानी आपके पास टोटल कितने वेज है मैट्रिक्स बनाने के, देखा जाए तो इन सबको नंबर ऑफ वेज में हम सिंपल मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 × 2 × 2 × 2 16, तो 16 मैट्रिक्स आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल क्रिएट, आप पूरा 3 5 चाहिए तो आप पूरा 3 लिख सकते हैं या पूरा 5 लिख सकते हैं, 3 5 ऐसे करके आपको कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो, तो आप इसमें टोटल 16 मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, जिसमें ये जो रूल फॉलो हो रहा है कि 3 और 5 के अलावा कोई और नंबर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका कि कैसे इक्वल मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है मैट्रिक्स का, ये कंसेप्ट आपका आ गया। अब आता है एडिशन। अगर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है तो आप सोचें क्या करना है, तो पहला तरीका ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, तो उसके लिए तरीका मैं बता देता हूं, सिंपल तरीका बता देता हूं। जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 3 4, B मैट्रिक्स दिया है 4 − 1 − 2 0, और आपको बोला है कि A प्लस B आपको करनी है, तो इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं। पहले देखो ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका ऑर्डर देखो, दो रो दो कॉलम आ रहे हैं। अब आपका क्या मतलब हुआ कि अब हाँ देखो ऑर्डर सेम है, यानी वी कैन ऐड इट, तो इसके लिए आपके पास रूल है। पहला मैट्रिक्स लिखा, इसका जो फर्स्ट मेंबर है इसके फर्स्ट यानी A11 B11 से ही ऐड होगा, तो 1 + 4 2 + −1 3 + −2, ये हो गया आपका 5 1 1 4, ये इसका एडिशन है, ये हुआ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे ऐड कर, यहीं पर अगर आपका सब्ट्रैक्शन है तो इतना प्लस आ गया, इसके लिए माइनस लिखा आपने सपोज, तो आपको इतना टेंस नहीं होना है। पहले लिखा फर्स्ट मेंबर, उसी का सेकंड मैट्रिक्स में उसी प्लेस पर जो जैसे A11 B11, अब माइनस करना है तो 1, इसका आपको एडिटिव इन्वर्स कर देना है, साइन बदलना, −4 2 − −1 + 1 3 + 2 4 − 3 − 3 3 5 4, ये हुआ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें सपोज आपको एडिशन ने ऐसा बोला 2 times of A चाहिए, इसका मतलब है कि कोई वो मैट्रिक्स के सारे मेंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8, ये 2 times A आ गया। अगर मैंने बोला 3 times of B चाहिए, आपको क्या करना है, सारे मेंबर को 3 से 12 − 3 − 6 0, ये हो गया आपका 2 times और 3 times। कैसे अब इसी में अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज ये आपका आ गया 3 times A 2 times A + 3 times of B करना, तो अब आपके जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ 2 और ये − 12 2 + 12 4 − 3 6 − 6 8 + 0, तो ये आपका 14 1 0 8, ये आपका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अभी आप लोगों को बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके बेसिक्स कंसेप्ट लेने, ज्यादा अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि इनिशिएट कर रहे हैं, एकदम से मैं करा दूंगा तो सारे कंसेप्ट मिक्सअप ना हो जाए। तो हम लोग आज के इतना ही रखते हैं कि पहले आपको मैट्रिक्स समझना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल मैट्रिक्स से तो कैसे कंपेयर करना है। इसे करीब करीब आप मानोगे नहीं, तो करीब आप अगर टेक्स्ट बुक उठाओगे तो आपने फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज तो पूरी कर ली 3.1, जो 4 chapter का जो 3.2 आ रहा है उसके पहले 3 questions हो जाते हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन इसके बाद आएगा, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़े चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों शुरू में, लेकिन धीमे धीमे कमांड आते बहुत आसान हो जाए। तो अभी आप पहले इसके ऊपर फोकस करिए और उसके बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो लेंगे उसमें मैं आगे का बताऊंगा। तो इसी के ऊपर जितना मैंने आज कराया, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो 3.1 और 3.2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, बाकी फिर थोड़े से वक्त उसको ध्यान देना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट कर दो पहले दिन।